नमस्कार छात्रों, आज हम लोग भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताओं को पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में आपने पढ़ा था कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। आज हम भारतेंदु युग के काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। अब देखिए, एक प्रश्न इस पर बनता है कि भारतेंदु युगीन काव्य की शिल्पगत विशेषताएं बताइए। या तो ये प्रश्न बनेगा इस हेडिंग के अंतर्गत, या तो ये प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु युगीन काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, चर्चा कीजिए। दो तरह के प्रश्न इस पर बनते हैं, तो छात्रों दो तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम इन बिंदुओं की चर्चा करना शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि भारतेंदु युगीन काव्य में कौन सी प्रवृत्तियां या विशेषताएं पाई जाती हैं। भारतेंदु युग, जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ तो रीतिकालीन गरिमा को लेकर चलने वाला था, क्योंकि संक्रांति का एक तरह से आप युग कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में संक्रांति चल रही थी। एक तरफ रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियां पूरी तरह से समाप्त प्राय नहीं हो सकी थी, दूसरी तरफ आधुनिकता की झलक भी भारतेंदु युग में देखने को मिल जाती है। अतः दोनों काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा और विशेषताएं इस युग में अवश्य ही पाई जाती हैं। इस युग में मुख्य रूप से राष्ट्र प्रेम की भावना, जनमानस की चर्चा, छोटे समुदाय के प्रति आक्रोश की भावना, छोटे लोगों को महान व्यक्तित्व प्रदर्शित करने में लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयत्न किया है। चलिए छात्रों, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारतेंदु युग के कवियों ने इस तत्कालीन समय की काव्य परंपरा को नवीन मोड़ देने में अपना योगदान दिया है। तो चलिए देखते हैं, भारतेंदु युग की पहली सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि राष्ट्र प्रेम। अब देखिए छात्रों, इस हेडिंग को आप कई रूप में लिख सकते हैं, या राष्ट्रभक्ति की भावना भी इसे लिख सकते हैं, या जनवादी भावना भी लिख सकते हैं, या देशभक्ति की भावना भी आप लिख सकते हैं। तो छात्रों, राष्ट्र प्रेम को किसी भी तरह से आप अलग अलग रूप दे सकते हैं, लेकिन इसका मूल भाव यही है कि भारतेंदु युगीन काव्य में देशभक्ति की भावना पूर्ण रूप से विद्यमान रही है। एक तरफ जहां भारतेंदु युग का काव्य राजभक्ति को लेकर चलता है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रभक्ति भी कहीं भी थोड़ी भी छूटी हुई नहीं है। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति भारतेंदु युग में एक साथ चलती है। जैसा कि भारतेंदु जी ने लिखा भी है कि अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, सुख साज सजय सब भारी, पैधन विदेश चली जात, यहाँ अति ख्वारी, तो छात्रों यहाँ पर भारतेंदु जी लिखते हैं कि अंग्रेजी जो राज्य है सुख साज सजय, अर्थात इसकी सुख सुविधा और साज सज्जा सभी सभ्यताओं पर भारी है, किंतु ये अंग्रेज लोग जो हमारा धन विदेश लेकर चले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी कष्ट की बात है। इस तरह की भावना भारतेंदु युग के कवियों में मिलती है। इसके अलावा भी अंग्रेजी राज
के प्रति रोष भी भारतेंदु युगीन कवियों ने व्यक्त किया है, जैसा कि निम्न उदाहरण में दृष्टव्य है। भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, ज्ञान धनमान, ज्ञान धनमान सब कुछ मूसे, ज्ञान धनमान सब कुछ मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। देखिए छात्रों, यहाँ पर भी उसी भावना को व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी लिखते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, अंदर ही अंदर हमें नष्ट कर दे रहे हैं, हमारी मूल भावना को वो नष्ट कर दे रहे हैं। ज्ञान धन मान सम्मान सब कुछ वो लूटे जा रहे हैं, और इसके अलावा उनकी बातों में अत्यंत ओजस्विता है, हमें लूट कर वो अपनी वाणी को ओजस्वी बता रहे हैं। क्यों, क्या वे अंग्रेज नहीं हैं? इस तरह की भावना भारतेंदु जी अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। इसके अलावा भारतेंदु युगीन कवियों में वर्तमान समय में जनमानस की हुई दुरावस्था का भी चित्रण किया गया है, और प्राचीन काल के राजाओं को भी याद करते हुए भारतेंदु युगीन कवियों ने तत्कालीन समय की स्थिति का परिचय देने का प्रयास किया है। वो लिखते हैं, कह परीक्षित कह जनमेजय कह परीक्षित कह जनमेजय कह विक्रम कह भोज नंद वंश कह चंद्रगुप्त कह हाय कहाँ वह ओज, हाय कहाँ वह ओज। अर्थात भारतेंदु युगीन कवियों ने राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का एक साथ निर्वाह किया है। अब देखिए इस पंक्ति में बता रहे हैं कवि कि कह परीक्षित अर्थात भारत में राज्य करने वाले राजा परीक्षित का राज्य वो कहाँ गया, जनमेजय का वह राज्य कहाँ गया, महाराज विक्रमादित्य जैसी दानशीलता से परिपूर्ण धन संपदा कहाँ गई, नंद वंश जैसा चक्रवर्ती सम्राट कहाँ गए, चंद्रगुप्त जैसे अत्यंत पराक्रमी शासक कहाँ गए, हाय कहाँ वो वह ओज अर्थात हमारी वह संस्कृति अर्थात धीरे धीरे कहाँ नष्ट हो गई। इस तरह से भारतेंदु युगीन कवियों ने राष्ट्र प्रेम का बहुत ही प्रभावी ढंग से चित्रण करने का प्रयास
किया है। फिर इसके बाद दूसरी जो प्रमुख विशेषता है इस युग की, वह यह है जनजीवन का चित्रण। जनजीवन का चित्रण, जन जीवन का चित्रण करने में भारतेंदु युगी कवि अत्यंत ही अग्रणी रहे हैं। भारतेंदु युगी कवियों ने उस समय की सामाजिक दुर्दशा का चित्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तरफ जहां विधवाओं की दयनीय स्थिति थी, वहीं समाज में ऊंच नीच का भेदभाव इत्यादि भी भरपूर था। विविध धर्मों की आपस में टकराहट भी हुआ करती थी। इन तीनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने अवश्य किया, और भारतेंदु युग में हो रहे सामाजिक दुराचार का चित्रण करने में उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया है। जैसा कि निम्न पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं, भारतेंदु जी कहते हैं कि बहुत फैलाए हमने, बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। यहाँ पर भारतेंदु जी चित्रित करते हुए बताते हैं कि हमने बहुत दिनों तक धर्म फैलाने का कार्य किया और छुआछूत का कर्म बढ़ाया, किंतु आज वो समय आ गया है कि हमारे ऊपर विदेशी शासन कर रहा है। अतः हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम इससे आगे बढ़ें और एकजुट होकर इस सामाजिक बुराई का सामना करें, अर्थात छुआछूत को नष्ट करने का प्रयास हम करें। न केवल भारतेंदु जी, इसके अलावा भी प्रताप नारायण मिश्र जी भी विधवाओं की स्थिति का यथार्थ चित्रण करते हुए लिखते हैं, विधवा विलपय नित धेनु कटय, विधवा विलपय नित धेनु कटय, को लागत हाय गोहार नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि विधवाओं की स्थिति कितनी बेकार है कि विधवाएं विलाप करती रहती हैं और नित धेनु कटय, अर्थात प्रतिदिन गौ की हत्या की जाती है लेकिन कोई इस बात को सुनने वाला नहीं है। इस बात का चित्रण भारतेंदु युग के कवियों ने विशेष रूप से किया है। अब मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि भारतेंदु युग के कवियों ने जन जीवन का चित्रण यथार्थ ढंग से प्रस्तुत किया है, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण विशेष ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसा कि निम्न पंक्तियों में आप देख भी सकते हैं, देखिए कहते हैं भारतेंदु जी ही कि रोवह सब मिलिया वह भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देख न जाई, अर्थात
सब विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, भारत की चिंता कर रहे हैं कि भारत की ऐसी दुर्दशा हम बिल्कुल भी नहीं देख सकेंगे, अर्थात भारत में इस तरह की दयनीय स्थिति आ गई है कि अब इससे बड़ी दुर्दशा हम भारतवासियों की बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति चित्रण भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है, जो निम्न पंक्तियों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रकृति का न केवल आलंबन रूप में बल्कि उद्दीपन के रूप में भी चित्रण करने में अत्यंत ही समर्थ रहे हैं भारतेंदु युगीन कवि। हम जब बचपन में थे तो आपको एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया जाता होगा, ठीक वही उदाहरण यहाँ पर मैं लिखूंगा। अगर जैसे मान लीजिए कला पक्षीय विशेषताएं पूछ लिया जाता है तो उस समय इसी पंक्ति को आप अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में भी दे सकते हैं। प्रकृति चित्रण देखिए कितना मनोहारी प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किया है। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके झुके कुल सो परसन हित मनह सुहाए। देखिए छात्रों यहाँ पर तरण तनुजा तट, यहाँ पर इस बात को कवि व्यक्त करता है कि तरण तनुजा अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना और जिसका भाई कौन है, शनि देव है। सूर्य की पुत्री यमुना और जिसका भाई शनि है, जिसका भाई यम है, वह कैसा है? तनुजा तट तमाल, और वह किस तरह से यमुना नदी दिख रही है, यमुना नदी का तट कैसा दिख रहा है? जैसे कि तमाल का वृक्ष झुक करके ऐसा लग रहा है कि वह स्वयं परसन अर्थात शीशे में अपने दृश्य को पूरी तरह से देख रहा हो, दर्पण में अपने प्रतिबिंब को यमुना नदी में तरुवर या तमाल का वृक्ष देख रहा हो। इस तरह का प्रकृति चित्रण करने में भारतेंदु युगीन कवि समर्थ रहे हैं। फिर इसके बाद भारतेंदु युगीन कवियों की अगली विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु युगीन कवियों की भक्ति भावना, जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल और रीति काल के बाद कुछ न कुछ परंपरा जो पहले से चली आ रही थी वह भारतेंदु युगीन कवियों में भी देखने को हमें मिल जाती है। भारतेंदु युगीन कवियों ने भक्ति, कृष्ण भक्ति का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है और उनके वर्णन में अत्यंत ही शालीनता विद्यमान है। उदाहरण के रूप में हम निम्न पंक्ति को देख सकते हैं।
भारतेंदु युगीन कवियों ने एक तरफ तो सगुण भक्ति का परिचय देते हुए निम्न पंक्तियों को दिया है, मेरे तो साधन एक हैं, जग नंदलाला वृषभानु कुमारी की, अर्थात हमारे सबसे प्रिय देवता एक ही हैं, वो हैं जग नंदलाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण और वृषभानु कुमारी अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा की, अर्थात हमारे हमें भव सागर से पार उतारने वाले एक ही हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा। इस तरह की बात का चित्रण भारतेंदु युगीन कवि करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति करने में भी अत्यंत ही प्रेरणादायी रहे हैं भारतेंदु युगीन कवि, जैसा कि निम्न पंक्तियों में हम देख सकते हैं, जो विषया संतन तज ताहि मूढ़ लपटात, जो नर डारत वमन करी खान स्वाद सौखात, कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि निर्गुण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति संतों की पूजा नहीं करता है, जो व्यक्ति गुणी व्यक्तियों के प्रति आदर की भावना नहीं रखता है, ताहि मूढ़ लपटात, अर्थात वह मूर्ख व्यक्ति इस संसार में इधर उधर ही भटकता रहता है, चारों तरफ ही दौड़ता रहता है, जो नर डारत वमन करे, अर्थात जो व्यक्ति उस अदृश्य परम सत्ता को समझने में समर्थ हो जाता है, खान स्वाद सौखात, अर्थात वह व्यक्ति इन सभी बुराइयों से आगे निकल करके उस परम ब्रह्म के का स्वाद चख लेता है। इस तरह की बातों का चित्रण करने में भारतेंदु युगीन कवि सबसे अग्रणी रहे हैं। जहां एक तरफ वो निर्गुण भक्ति करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो सगुण भक्ति करने में भी प्रेरणादायी रहे हैं, जैसा कि उक्त निम्न उदाहरणों में हम देख चुके हैं। तो छात्रों, समस्या पूर्ति भी भारतेंदु युगीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। सबसे मुख्य विशेषता यदि भारतेंदु युगीन काव्य की पूछी जाए तो वो है समस्या पूर्ति। अब यह समस्या पूर्ति कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक कवि, कोई विशेष कवि या कोई विशेष विचारक एक पंक्ति को दे देता है, जिस पंक्ति को लेकर कई कवि उस पंक्ति की पूर्ति अपने पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उन पंक्तियों में वो अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि इस पंक्ति को पूरा करने में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए। ये सबसे बहुत बड़ी विशेषता है। आप ध्यान दीजिएगा, समस्या पूर्ति, कोई विशेष कवि या विशेष विचारक एक बात को उठाता है, जिस बात को लेकर अलग अलग कवि अपना विचार पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। निम्न पंक्ति में हम उसी बात को देख रहे हैं कि बन बैठी है मान मूर्ति से, बन बैठी है मान की मूर्ति से, कि अर्थात एक नायिका है जो दुखी होकर एकदम मूर्तमान होकर अर्थात स्थिर होकर एक ही स्थान पर बैठी हुई है, मुख खोलत बोले न नाही नहा, मुख खोलत बोले नाही नहा, ठीक है, मुख वह मुख भी नहीं खोलती है और न तो ये बोलती है कि नहीं कि हाँ, अर्थात वह क्यों दुखी है, वह क्यों शांत होकर रूठ कर बैठी हुई है, किस बात के लिए मुँह फुलाए हुए बैठी है। तुम ही मनुहारी कह हारी पर है, कि अर्थात अब आप ही बताइए कि इसकी मनोभावना को कैसे समझा जाए,
सखिया की कौन चलाई तहां की, अर्थात किसी सखी ने कोई उल्टी बात बोल दी है क्या कि ये वो फुलाकर एक स्थान पर बैठी हुई है, इस बात इस तरह की बात को लेकर यहाँ जो कवि या विचारक है वह यह बताना चाहता है कि यदि व्यक्ति गुस्से में आकर या किसी से रूठ कर मुँह फुला कर बैठता है तो किस तरह की भावना व्यक्त करता है। तो अलग अलग जितने भी कवि हुए हैं भारतेंदु युगीन, सभी कवियों ने समस्या की पूर्ति करने में अपनी लेखनी चलाई है। इसके अलावा हम एक उदाहरण और आपके सामने लिखेंगे जो निम्न पंक्तियां हैं। तो छात्रों देखिए, हरि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहू पहचानती है पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं तुम उधव इह कहियो हरिसो, हम और कछु नहीं जानती हैं पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। अर्थात यहाँ पर दुख की बात को दूसरे रूप में व्यक्त किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समस्या पूर्ति यानी एक ही बात को लेकर हर कवि ने अलग अलग ढंग से अपनी लेखनी चलाई है। जैसा कि निम्न पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि उसी दुख को व्यक्त करने के लिए यहाँ अभी ऊपर आपने देखा कि मुंह फुलाकर बैठी है इसलिए वह दुखी है, ऐसा किसी सखी ने कोई कठोर बात कह दी होगी इस कारण से वह दुखी होकर बैठी है, ऐसी भावना व्यक्त किया था कवि ने। अब दूसरे ढंग की भावना निम्न पंक्तियों में व्यक्त की गई है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हरि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है कि जो ईश्वर है वह व्यापक है, वह इस पृथ्वी की समस्त समस्याओं को दूर करने वाला है, मैं भी ऐसा जानती हूँ। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा की, अर्थात जिसके बिना नंदलाल के अर्थात बिना ईश्वर की प्राप्ति के व्यक्ति बेहाल है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है कि अर्थात भगवान हरिश्चंद्र के समान, राजा हरिश्चंद्र के समान कोई भी ज्ञानी और गुणी पुरुष नहीं था, फिर भी वह दुख उसे दुख मिला। तुम उधव इह कहियो हरिशो कि अर्थात उधो तुम हमको इस तरह की बात बता रहे हो, सो हम और कछु नहीं जानती हैं, अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई बात नहीं जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा भी कोई ईश्वर है अर्थात ज्ञान है। मैं हरिश्चंद्र को भी नहीं जानती, यहाँ पर गोपियों की भावना को लेकर कवि अपनी बात व्यक्त कर रहा है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना कि अर्थात भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रिय के दर्शन के बिना हमारी आँखें दुखी हैं, हमारी आँखें दुख से संतप्त हैं, हम अत्यंत परेशान हैं। इस तरह की भावना को लेकर भारतेंदु युगीन कवियों ने समस्या पूर्ति से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे हैं। छात्रों अगली जो विशेषता है भारतेंदु युग के काव्य की वह है हास्य व्यंग की प्रधानता। हास्य और व्यंग सबसे ज़्यादा भारतेंदु युग में हमें मिलता है। अब भारतेंदु युग का हास्य और व्यंग कैसा है, तत्कालीन समय की राजनीतिक अवस्था, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और उन्हें तार्किक ढंग से उन अत्याचारों को सही रूप में व्यक्त करना करके बताना, इस बात का व्यंग करना, और उसके अलावा जाति प्रथा, छुआछूत, विधवाओं की स्थिति पर भी भारतेंदु युगीन कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है और उस पर अपनी बात वो भी व्यक्त करते हैं। जैसा कि भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों के माध्यम से अंग्रेजों की दुरावस्था का चित्रण व्यक्त किया है। देखिए निम्न पंक्ति कि चूरन साहब लोग जो खाता, चूरन
साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। सारा हिंद हजम कर जाता। यहाँ भारतेंदु जी ये बात चूरन वाले के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं अंग्रेजों के बारे में, लेकिन यहाँ अपनी तर्क शक्ति के आधार पर चूरन वाले से ये बात व्यक्त करवाते हैं कि चूरन साहब लोग जो खाता कि अर्थात जो भी व्यक्ति मूल भावना को ग्रहण करने की बात करता है वह क्या कर रहा है, सारा हिंद हजम कर जाता, अर्थात पूरे हिंदुस्तान की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भी भारतेंदु युग के कवियों ने तत्कालीन समय की राजनीतिक स्थिति पर भी अपनी व्यंग लेखनी चलाई है, जो कि निम्न पंक्तियों में दृष्टव्य है। मुख जब लागे तब नहीं छूटे, जाति धन मान सब कुछ लूटे, पागल कर मोह करे खराब, हे सखी साजन ना ही शराब, यहाँ पर तत्कालीन समय में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का भी वर्णन वो शराब के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि जब मुख पर लगती है तो वो कभी नहीं छूटती है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे कितना भी धनी व्यक्ति हो, धन संपदा से परिपूर्ण व्यक्ति को भी शून्य बना देती है, मान सम्मान सब कुछ लूट ले जाती है। यह शराब पागल कर मोह करे खराब की, अर्थात वह हमें पागल सी बना देती है। हे सखी साजन नहीं शराब, अर्थात हे देशवासियों, हे सखी अर्थात हे मित्रवर, वह केवल शराब है और कुछ नहीं है। यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से अंग्रेजों पर व्यंग किया जा रहा है कि वो अंग्रेज ही हैं कि एक बार जिस देश पर नजर गड़ा लेते हैं उस देश की गरिमा धन संपदा इत्यादि सब कुछ लूट लेते हैं, उसी धन संपदा के पीछे वो हमेशा पागल हुए रहते हैं, मानवता इत्यादि की भावना उनके अंदर नहीं है, जो सामने दिखाते हैं उस तरह की भावना उनके अंदर नहीं है, केवल हमारे देश को नष्ट करने की भावना उनके अंदर विद्यमान है। इस तरह की बात व्यक्त करने वाले भारतेंदु युग के कवि रहे हैं। भारतेंदु युगीन कवियों का भाव पक्ष जितना सबल है उससे अधिक कला पक्ष भी अत्यंत ही श्रेष्ठ है। भारतेंदु युगीन कवियों ने इस तरह की श्रृंगारिकता, रस छंद अलंकार निरूपकता और भाषा शैली भी अत्यंत उत्कृष्ट कोट की रही है। तो यदि हम श्रृंगारिकता के पैमाने पर यदि देखना चाहें भारतेंदु युगीन कवियों को, तो वो अत्यंत ही सफल सिद्ध हुए हैं। न केवल संयोग के रूप में चित्रण करना उनका श्रेष्ठ रहा है, बल्कि वियोग पक्ष का चित्रण करने में भी वो अत्यंत ही उत्कृष्ट रहे हैं। जैसा कि निम्न उदाहरण में हम श्रृंगार के संयोग पक्ष को देख सकते हैं, सिसुताई अजौ
न गई तन ते तव जीवन ज्योत ज्योति बटोरे लगी सुनिकै चर्चा हरिचंद की कानन कूक दै भाव हमारो रह लगी दुलही उलही सब अंगन तय दिन द्वय तय पीयूष निचोरे लगी। अर्थात यहाँ पर संयोग पक्ष का वर्णन करते हुए कवि कहना चाहता है कि अभी जो नायिका है उसकी शिशुताई गई नहीं है, अभी पूरी तरह से न तो वह युवा हुई है और न ही वह अब छोटी बालिका बची है, वह बीच में है। अर्थात न तो पूरी तरह से युवा है और न तो बालिका है, अर्थात दोनों का सुंदर संयोग उस नायिका के अंदर है। तब तलक वह जीवन की ज्योति बटोरने लगती है, अर्थात जीवन की ज्योति समेटने लगती है, जीवन की ज्योति अत्यंत उज्ज्वलतम रूप में वह व्यक्त करने लगती है। सुनिकै चर्चा हरिचंद की कानन की, अर्थात राजा हरिचंद की चर्चा सुन करके वह सत्यवादी होने की प्रेरणा अपने अंदर प्रतीत कराने लगती है। कूक दय भव हम रो रहे लगी, फिर उसके बाद अन्य निकायों को जब वह देखती है तो वह अपनी भावें भी सिकोड़ लेती है, फिर उसके बाद वह फैला भी देती है। दुलही उलही सब अंगन तय दिन द्वय तय पीयूष निचोरे लगी कि अर्थात पूरी तरह से वह अभी दुल्हन नहीं बनी थी लेकिन दुल्हन बनने का नाटक वह करने लगती है। यहाँ पर कवि द्वारा नायिका के बचपन से थोड़ी ऊपर की अवस्था का चित्रण किया गया है और ये बताया गया है कि वह जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल होता है, छोटी छोटी बालिकाएं दुल्हन का जो खेल खेलती हैं उसी तरह का खेल वह नव यौवना अर्थात जिस पर अभी अभी युवावस्था की झलक चढ़ी है वह इस तरह की भावना व्यक्त कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु जैन कवियों की श्रृंगारिकता भी अत्यंत श्रेष्ठ कोटि की है। फिर इसके बाद अगली जो विशेषता है वह है भारतेंदु युगीन कवियों की भाषा शैली एवं छंद योजना अत्यंत ही उत्कृष्ट कोटि की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय गद्य साहित्य का प्रसार तो शुरू हो गया था किंतु कविताओं की भाषा अब भी ब्रज भाषा बनी हुई थी। अगर देखा जाए तो खड़ी बोली में एकाक दो जो कविताएं भी लिखी गई वो भी मृत प्राय हैं। अर्थात साहित्यिक भाषा के रूप में यदि हम आकलन करने चलें तो भारतेंदु युग के कवियों की भाषा ब्रज भाषा रही थी, ब्रज भाषा जिसमें अब नए नए शब्द आने लगे थे, कवियों की भाषा में नए नए शब्द गढ़े जाने लगे थे जिससे भाषा में थोड़ा नयापन देखने को मिलता है। किंतु अगर काव्य भाषा के पद पर हम देखना चाहें तो उस समय खड़ी बोली अभी कोई विशेष स्थान नहीं पा सकी थी, वह मृत प्राय थी। एकाध दो रचनाएं मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा किसी भी कवि ने अपनी श्रेष्ठ रचना का आधार खड़ी बोली को नहीं बनाया था, ब्रज भाषा में ही श्रेष्ठ रचनाएं हुई थी, चाहे भारतेंदु जी की रचनाएं हों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हों, प्रताप नारायण मिश्र की हों, चाहे राधा कृष्णदास की, इस तरह से अन्य कवियों की भी जो रचनाएं हैं उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है जिसमें नए शब्दों की धीरे धीरे बहुलता हो रही है। अब शैली देखा जाए तो शैली प्रसाद गुण युक्त शैली का प्रयोग भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। प्रसाद गुण से तात्पर्य यह है कि ऐसा गुण जिसे पढ़ने पर हम जिस पंक्ति को पढ़ने पर पूरी पूरी बात तुरंत समझ जाएं उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। तो उस आधार पर देखा जाए तो प्रसाद गुण युक्त भाषा का प्रयोग करने में भारतेंदु युगीन कवि सफल रहे हैं। छंद योजना के तार्किक पैमाने पर भी भारतेंदु युगीन कवि अत्यंत ही श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं और उन्होंने
प्राचीन छंदों को ही अपनी रचनाओं का आधार बनाया है, जैसे दोहा, सुरठा, रोला, छप्पय, कुंडलिया आदि। आदि छंदों को लेकर अपनी रचनाएं करने में अत्यंत ही सफल सिद्ध हुए हैं भारतेंदु युगीन कवि। और अगर नयापन हम देखना चाहें तो इस युग में कुछ नई प्रवृत्तियां, जो विवाह गीत इत्यादि गाए जाते थे, कजरी, लावनी, पैरोडी, वो देखने को मिलती है। कजरी शैली, लावनी, पैरोडी, गाली, फगुआ आदि से आदि तरह के लोक गीतों का प्रचलन हम भारतेंदु युगीन कवियों में पाते हैं। अब समग्रतः भारतेंदु युगीन कवियों की काव्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्न रूपों में विद्यमान हैं। अगर निष्कर्ष रूप में हम कहें तो एक तरफ जहां राष्ट्र प्रेम है, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक जनजीवन का चित्रण भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। अगर तीसरी तरफ हम देखने चलें तो जहां उन्होंने पदावलियों के माध्यम से, पहेलियों और मुकरियों के माध्यम से अंग्रेजी शासन सत्ता के प्रति अपना रोष व्यक्त किया है, तो दूसरी तरफ भक्ति भावना भी पूर्ण रूपेण विद्यमान रही है। अगर हम चलें कला पक्ष की ओर तो भाषा, भाव, रस, छंद, अलंकार, शैली के क्षेत्र में भी भारतेंदु युगीन कवि अत्यंत ही श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं। अब इसके बाद द्विवेदी भारतेंदु युग से इससे ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। चाहे अगर भारतेंदु युग की समय सीमा पूछता है तो भी आप उसका उत्तर दे सकते हैं। आधुनिक युग कब से प्रारंभ हुआ ये भी आप दे सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि आधुनिक युग के विविध नामकरण क्या क्या हैं, तो उस पर भी बनने वाले प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। भारतेंदु युग के काव्य की काव्यगत विशेषताएं यदि आपसे पूछता है तो भी आप उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भारतेंदु युगीन कवियों पर भी यदि प्रश्न बन जाए तो भी आप उत्तर दे सकते हैं। अतः अब भारतेंदु युग के बाद आधुनिक युग का जो अगला पड़ाव है उसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। अब स्थिति क्या होती है, क्यों अलग अलग कालखंडों में हिंदी साहित्य विभाजित होता गया, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। पहले द्विवेदी युग को युग की समय सीमा आपको बता दूं। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। अब द्विवेदी युग की समय सीमा के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। दो मत हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग का समय 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानते हैं। इसके पीछे आचार्य शुक्ल ये तर्क देते हैं कि भारतेंदु जी की मृत्यु के उपरांत भारतेंदु मंडल के दो अन्य महत्वपूर्ण कवि जो भारतेंदु की परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, उनकी मृत्यु 1893 ईस्वी के पूर्व हो चुकी थी। अतः भारतेंदु युग की प्रवृत्ति के अनुरूप अब रचनाएं 1893 ईस्वी के बाद नहीं हो रही थी, जिस कारण हिंदी साहित्य का अगला पड़ाव शुरू हो जाता है और उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम देते हैं द्वितीय उत्थान।
द्वितीय उत्थान या गद्य साहित्य का प्रसार। वहीं डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो बताते हैं कि द्विवेदी युग का प्रारंभ 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इस युग को वो पुनर्जागरण काल नाम देते हैं, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण से तात्पर्य ये है कि पुनः दोबारा नए तरह की कविताओं का प्रणयन करना कवियों ने शुरू कर दिया था। और वो तर्क देते हैं कि 1893 का जो शुक्ल जी का तर्क है वह इसलिए तर्क संगत नहीं है क्योंकि 1900 ईस्वी से पहले किसी भी तरह की नई प्रवृत्ति का दर्शन हमें नहीं होता है। रचनाएं भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों को लेकर कम हो जाती हैं, किंतु द्विवेदी युगीन जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उस तरह की प्रवृत्तियों का दर्शन 1900 ईस्वी से पहले होना शुरू नहीं हुआ था। इस कारण से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1900 ईस्वी से मानना ही श्रेयस्कर होगा, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अब इसके बाद अगली जो बात है द्विवेदी युग की, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों को मैं आपको बताऊंगा कि प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रथम जो प्रमुख कवि हैं वो नाथूराम शर्मा शंकर हैं। इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1832 ईस्वी में हुई। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, आदि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की चर्चा मैं आपसे करूंगा। अब द्विवेदी युग के रचनाओं की चर्चा करूं उससे पूर्व मैं बता दूं कि इस युग का नाम द्विवेदी युग क्यों पड़ा। हिंदी साहित्य के द्वितीय पड़ाव का नाम द्विवेदी युग क्यों पड़ा, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब भारतेंदु जी की मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद लगभग भारतेंदु मंडल के अन्य जो कवि थे उसी तरह की रचनाएं कर रहे थे, किंतु सन 1903 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभालते हैं तो वहीं से हिंदी साहित्य में एक नवीन प्रवृत्ति की झलक मिलती है। पहली नवीन प्रवृत्ति ये मिलती है कि अब साहित्य की भाषा, काव्य की भाषा ब्रज भाषा के अलावा खड़ी बोली हो गई थी। खड़ी बोली में भी कविताएं खूब लिखी जाने लगी थी, कई कविताएं खड़ी बोली में लिखी गई जो बहुत चर्चित भी हुई। और इसके अलावा उन्होंने हिंदी के गद्य साहित्य का प्रसार किया और हिंदी खड़ी बोली की भाषा को नवीन स्वरूप देने का प्रयास किया। और जो भी कवि या लेखक अपनी रचनाएं लिखता था या लेखनी लिखता था, लेख लिखता था, तो उनमें जो कमियां हुआ करती थी
उन कमियों को उजागर कर वो कवियों को नवीन दिशा देने का कार्य कर रहे थे, जिस कारण से कि उनके प्रभाव के कारण द्विवेदी युग का नाम हिंदी साहित्य के द्वितीय पड़ाव का नाम द्विवेदी युग रखा गया। अब द्विवेदी युग में लेखन करने वाले जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाओं की चर्चा मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले अगर द्विवेदी युग में पूछा जाए कि उम्र के हिसाब से या जन्म काल के अनुसार द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि हैं, तो जन्म काल के अनुसार नाथूराम शर्मा शंकर हैं। इनका जन्म 1859 में, मृत्यु 1832 में। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसके अलावा भी कई रचनाएं हैं, अनुराग रत्न और शंकर सरोज आदि। फिर इसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण कवि श्रीधर पाठक हैं, इनका जन्म 1859 में, मृत्यु 1928 में। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वनाष्टक, भारत गीत, स्वर्गीय वीणा, सांध्य अंटन, धन विजय, कश्मीर सुषमा आदि हैं। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि अगर कोई है तो वो द्विवेदी जी हैं, स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए, द्विवेदी युग में अधिकांशतः विभिन्न भाषाओं के रचनाओं के अनुवाद किए गए हैं, तो उसमें देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कई रचनाएं आती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप आदि। फिर इसके बाद तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। इनका जन्म 1965 में, मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई। इनका जो ग्रंथ है हिंदी का पहला महाकाव्य इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा। फिर इसके बाद परिजात और वैदेही वनवास इनके चर्चित काव्य संग्रह रहे हैं। फिर इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर आते हैं, जिनका जन्म 66 में, मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा में लेखन करने वाले श्रेष्ठ कवि के रूप में द्विवेदी युग में चर्चित रहे हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला आदि हैं। फिर इसके बाद सत्यनारायण कविरत्न आते हैं, इनका जन्म 1880 में, मृत्यु 1918 में। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भ्रमर दूत, प्रेम कली, हृदय तरंग आदि हैं। फिर इसके बाद छात्रों, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही अगले महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1883 ईस्वी में, मृत्यु 1972 ईस्वी में। इनकी जो चर्चित रचनाएं हैं वो प्रेम पचीसी और कुसुमांजलि तथा राष्ट्रीय मंत्र हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और अगले जो कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त, ये सबसे अच्छे और श्रेष्ठ कवि हिंदी के माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में ये विख्यात रहे हैं। इन्होंने द्विवेदी युग में लेखन कार्य किया है, छायावादी युग में, फिर इसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग में भी इन्होंने कई रचनाएं अपनी लिखी हैं। लेकिन राष्ट्रीय भावना, जो मूल भावना है इनकी रचनाओं में, वो द्विवेदी युग की ही रही है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रंग में भंग, भारत भारती, किसान, पंचवटी, साकेत, रत्नावली आदि मानी जाती है। अगले महत्वपूर्ण कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं, जिनका जन्म 1889 में, मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई। और इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न आदि, जो बहुत ही चर्चित रही हैं। और अन्य महत्वपूर्ण कवियों के रूप में भी कुछ लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है, जिनके नाम है राय देवी प्रसाद पूर्ण, बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन, ठाकुर गोपाल सिंह, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे आदि। इन्होंने भी द्विवेदी युग में
अपनी शैली से तत्कालीन समय की रचनाओं की श्री वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर इसके बाद द्विवेदी युग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि द्विवेदी युग में कौन कौन सी रचनाओं की बहुलता हमें देखने को मिलती है। आप हमें कमेंट करके अवश्य अगले बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बाद यमय का कौन सा पाठ्यक्रम या कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।